लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है कि छलने में पानी रुक नहीं सकता, कौन कहता है कि छलने में पानी रुक नहीं सकता, बस बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए, बस बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। जय हिंद दोस्तों। हेलो दोस्तों, एक बार स्वागत है अपने YouTube चैनल यूनिक साइंस क्लासेज में। आगामी परीक्षाओं को दृष्टिगत ध्यान में रखते हुए जैसे हम आप लोगों के लिए रीजनिंग और GS का सिलेबस स्टार्ट किए थे, उसी तरीके से उसी क्रम में हम 16 सितंबर सन 2020 से मैथ का बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आगामी परीक्षा हमारा ग्रुप डी और NTPC का लगा हुआ है, जो कि 15 दिसंबर से स्टार्ट है। उसको ध्यान में रखते हुए ग्रुप डी और NTPC में जितने भी चैप्टर आते हैं या उसके जो भी सिलेबस में हैं उसको हम यहाँ पर आप लोगों को बताएंगे। उसके बाद अभी हमारे पास अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर यानी लगभग 3 महीने का समय है, तो 3 महीने में हम आप लोगों को 2 महीने में मैथ कवर करवाएंगे ग्रुप डी का और NTPC का जो सिलेबस है। उसके बाद हम आप लोगों के लिए जब 1 महीना बचेगा तो आपका प्रैक्टिस बैच हम स्टार्ट करेंगे। प्रैक्टिस बैच में क्या करना है, हम लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यानी जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे उनको हम सॉल्व करवाएंगे। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर मैथ से स्टार्ट कर रहे हैं, नंबर सिस्टम से यानी संख्या पद्धति। संख्या पद्धति से यानी संख्याओं पर आधारित प्रश्न हम मैथ स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बताएंगे कि संख्याओं पर आधारित प्रश्न कैसे बनते हैं। तो हम आपको टाइप वाइज बताएंगे, जैसे हमारा जनरल बेस पे जो बनता है उसको हम टाइप फर्स्ट कहते हैं। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं टाइप फर्स्ट। हम जितने प्रकार की क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे यानी जितने मॉडल की क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे हम टाइप वाइज बताते चलेंगे। हमारा टाइप फर्स्ट का जो क्वेश्चन बनेगा हम क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहे हैं तो दोस्तों हमारा ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि संख्या 64 कुल कितनी संख्याओं से विभाजित है। यानी मान लीजिए पेपर में आकर कि कोई संख्या 64 दी हुई है, अब वो पूछ रहा है कि कुल कितनी संख्याओं से विभाजित है। अगर दोस्तों हम इसका विभाजन की बात करें तो एक सम संख्या है, हम 64 हमारा दो एक से विभाजित होगा, पहला दूसरे नंबर पर दो से भी विभाजित हो जाएगा क्योंकि 2 3 6 2 2 9 4, उसके बाद ये 4 से विभाजित हो जाएगा, 8 से विभाजित हो जाएगा, उसके बाद 16 से विभाजित हो जाएगा, 32 से विभाजित हो जाएगा, उसके बाद स्वयं 64 से विभाजित हो जाएगा। यानी कुल कितने संख्याओं को हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कुल संख्याओं की संख्या की कितने संख्या, यहाँ पर 7 संख्या हैं, यानी कुल कितने संख्याओं से विभाजित है, 7 संख्याओं से विभाजित है। अगर यही मान लीजिए यही संख्या कोई बड़े अंक में बड़े पैमाने पर दे दिया जाए, इस 64 की जगह पर 640 दे दिया जाए, तो शायद उसका फैक्टर आप लोग कर पाएंगे या बता पाएंगे कि कुल कितनी संख्याओं से विभाजित है। तो आइए हम आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताते हैं कि इसको कम समय में कैसे सॉल्व करेंगे पेपर में। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम 64 का फैक्टर करेंगे यानी गुणनखंड करेंगे, तो 2 2 4 2 8 2 16 2 32 2 64, यानी हमारा क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। जैसे आप LCM HCF पढ़ते थे, आप लगाते थे, आप फैक्टर करते थे LCM का, इसी तरीके से हम 64 का पहले क्या करेंगे, कोई भी संख्या दी हुई पहले उसका हम फैक्टर करेंगे। अब फैक्टर करने के बाद देखेंगे कि 2 की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पर 2 की पावर 6, यही है हमारा 2 कितना बार है, 6 बार है। अब हमको क्या देखना है, इसमें जो ये घात है इसमें क्या कर देंगे, अगर एक जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, विभाजितों की संख्या आ जाएगी, अर्थात हम विभाजित को भाजक भी बोल सकते हैं, अर्थात भाजकों की कुल संख्या बराबर क्या हो जाएगा, घात क्या हमारा 6 है। अब 6 में पावर में हम जब एक
प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सात, जो कि सात संख्याओं से क्या है, पूरा पूरा विभाजित है, सात हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम यहाँ पर हिंट में लिख दे रहे हैं, हिंट में लिख दे रहे हैं, अगर ए के पावर बी है तो हमारा क्या हो जाएगा, बी प्लस वन, कोई संख्या है उसके पावर जो भी होगा उसमें एक जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, भाजकों की संख्या आ जाएगी, यानी विभाज विभाजित जितने संख्याओं से हो रहा है उसका क्या हमको मिल गया, यहाँ पर उत्तर मिल गया, हमको क्या करना, पावर में एक जोड़ना है। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं, इसको मिटा देते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वह है कि 243 के भाजकों की संख्या क्या है, यानी पहला क्वेश्चन कैसे था कि संख्या 64 कुल कितनी संख्याओं से विभाजित है, और इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया, इस क्वेश्चन में मॉडिफाई क्या हुआ है कि भाजकों की संख्या क्या है। तो दोस्तों यहाँ भाजकों की संख्या पूछे, विभाजितों की संख्या पूछे, कुल विभाजितों की संख्या पूछे, सब क्या है एक ही, सबका मतलब क्या है एक है, अर्थ सभी का एक है, चाहे विभाजन का बात करता हो चाहे भाजक का बात करता हो। तो इसको आइए बताते हैं आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, 243 का क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, 243 यानी क्या होगा, जैसे फैक्टर आप किसी का भी करेंगे तो पहले देखेंगे ये संख्या सम है या विषम है, अगर सम है तो यहाँ पर हम दो करेंगे, उसके बाद विषम है तो क्या करेंगे, तीन करेंगे, उसके बाद उसका जो मल्टीपल होगा उसको क्या कर देंगे, लिख देंगे, अगर हमको जैसे याद लिया फैक्टर करना आसान हो जाएगा इस तरीके से। उसके बाद क्या से क्या हो जाएगा, 9 × 9, उसके बाद 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3, यानी हमारा क्या कितना बार 3 आया, 1, 2, 3, 4, 5, यानी 3 के पावर 5। अब इसमें क्या कर देंगे हम, पावर जितना रहेगा उसमें क्या कर देंगे, एक जोड़ देंगे, अर्थात भाजकों की कुल संख्या क्या हो जाएगी, 5 और प्लस 1, पावर 5 है इसमें क्या कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे, तो कुल भाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6, यही हमारा क्या है आंसर है। यानी ये 6 संख्याओं से 243 क्या होगा, पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, हमारा आंसर इसमें 6 है। जैसे आपको हिंट में क्या बताए थे, ए की पावर अगर बी होगा तो क्या हो जाएगा, बी प्लस 1। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, अब यहाँ पे जो टाइप सेकंड है, टाइप सेकंड यानी हम पहले आपको क्या बताएं, पिछले दो जो क्वेश्चन आप लोगों को हम बताए हैं, दो प्रश्न बताए हैं, वो टाइप फर्स्ट के थे, यानी हमारा जनरल बेस पे आधारित था कि हम जो सामान्य वे में सोचते हैं उस वो किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। हमारा जो टाइप सेकंड है यह है कि संख्या 80 के कुल भाजकों की संख्या बताइए, यानी क्वेश्चन सेंस में बस सिर्फ क्या संख्या बदली हुई है। अब यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, जहाँ 0 आ गया यानी क्या, ये 5 से विभाजित होगा और सम संख्या है इसलिए 2 से भी विभाजित होगा। तो आइए हम आप लोगों को बताते हैं कि सम और विषम जब दोनों आ जाए तो इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो सबसे सभी क्वेश्चनों में हमें संख्या पद्धति के जितने भी भाजकों की संख्या, सम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या, जितने भी टाइप आपको बताएंगे सब में हमको सब सर्वप्रथम यही करना है कि जो संख्या दी हुई होगी उसका हमको क्या करना, पहले फैक्टर करना पड़ेगा, पहले उसका गुणनखंड करना पड़ेगा। तो 80 है इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 × 4 × 8 × 16 16 × 5 = 80, यानी क्या हो गया यहाँ हमारा ये गुणनखंड कर दिए। अब 2 कितना बार आया है दोस्तों, 1, 2, 3, 4, यानी 2 के पावर 4, और 5 कितना बार आया है, 1 बार आया है, तो हम यहाँ लिख देंगे कि 5 के पावर 1। अब यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, सम मिल रहा है और विषम भी मिल रहा है, यानी पहले हमारा क्या था कि कोई एक सम या विषम मिल रहा था उसमें क्या कर दिए थे, 1 ऐड कर दिए थे, वो हमारा क्या हो गया था, भाजकों की संख्या आ गई थी। अब जब इसमें 2 टर्म है यानी 2 संख्या है, इसमें क्या करेंगे, यहाँ में हम हिंट पे पहले आप लोगों को बता दे रहे हैं, हिंट ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आप रट लीजिएगा, अगर जैसे क्वेश्चन इसका आता तुरंत फार्मूला लगाइए और तुरंत क्या कर दिए आंसर, अगर ए के पावर बी गुड़े सी के पावर डी है तो दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर बी प्लस 1 इंटू डी प्लस 1, ये आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर क्या है यानी
अर्थात भाजकों की कुल संख्या क्या हो जाएगी? भाजकों की कुल संख्या यानी यहाँ पर क्या है, दो की घात क्या चार है, तो इसमें क्या कर देंगे, एक ऐड करना पड़ेगा हमेशा। उसके बाद इनटू है, एक में क्या कर देंगे, एक जोड़ देंगे, यानी एक और एक। अब चार और प्लस एक क्या हो जाएगा, पाँच। उसके बाद गुणे एक एक दो, यानी पाँच दुनी दस। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी जो ये 80 है, ये 10 संख्याओं से पूरा पूरा क्या हो रहा, विभाजित है। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। इसी में दोस्तों यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन है, क्या है कि 32,400 के भाजकों की कुल संख्या बताइए। यानी इसमें क्या हो गया, अभी तक जो आप लोगों को संख्या बता रहे थे वो हमारा पहला था 64 बताए थे, दूसरे में 243 बताए थे, और जब टाइप सेकंड हम चालू किए तो उसमें हम पहले आप लोगों को क्या बताए थे, 80 यानी 80 का भाजकों की संख्या, यानी 80 कुल कितनी संख्याओं से विभाजित होगा। अब हमारा यही संख्या क्या हो गया, यही संख्या बड़े लेवल पे यानी बड़े पैमाने पे कन्वर्ट हो गया, 32,400 आ गया। तो चाहे बड़ा हो या छोटा हो, सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम पहले उसका क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 32,400 क्या है, एक सम संख्या है। सम संख्या है तो हमारा सबसे पहले क्या होगा, हमारा यहाँ पर दो होगा, उसके बाद दो का यानी 32,400 का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा यानी आधा, यानी कितना बचेगा, 16,200। उसके बाद ऐसे दो गुड़े दो, ये भी सम है, ऐसे हम इसका फैक्टर करते चले जाएंगे। उसके बाद तीन गुड़े 30 गुड़े तीन गुड़े 30, उसके बाद दो गुड़े तीन गुड़े क्या हो जाएगा, 3 गुड़े 10। 30 का करेंगे तो 3 गुड़े 10 गुड़े 3, इसका भी 3 गुड़े 10। इसी प्रकार करेंगे 2 गुड़े 5 गुड़े 3 गुड़े 2 गुड़े 5। यानी हमारा क्या हो गया दोस्तों, हम इसका क्या कर दिए, फैक्टर पूरा कर दिए हैं। यानी 32,400 का फैक्टर क्या आया, 2 गुड़े 2 गुड़े 3 गुड़े 3 गुड़े 2 गुड़े 5 गुड़े 3 गुड़े 3 गुड़े 2 गुड़े 5। यानी इतनी संख्याओं को जब हम गुणा कर देंगे एक में तो हमारा लास्ट में क्या आ जाएगा, 32,400। अब हम देखेंगे कि 2 कितनी बार आया है यहाँ पर, 3 कितनी बार आया है, उसके बाद 5 कितनी बार आया है। तो यहाँ पर 2 की संख्या हम पहले काउंट करेंगे, 1 2 3 4, यानी 2 के पावर 4 हम क्या कर देंगे, लिख देंगे। उसके बाद गुड़े का चिन्ह है, यहाँ पर गुड़े का चिन्ह हम क्या कर देंगे, लगा देंगे। उसके बाद 3 की संख्या हम देखेंगे तो 3 1 2 3 4, यानी 3 के पावर 4 1 2 3 4। उसके बाद 5 की संख्या देखेंगे 1 2, यानी 5 के पावर 2। अब यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, 3 टर्म हमारा यहाँ पर मिल रहा है। पहले हम देखे थे हमारा टाइप फर्स्ट में जो एक एक था या सम था या विषम था, उसमें क्या कर दिए थे, एक पॉजिटिव कर दिए थे। और जब टाइप सेकंड आप लोगों को बता रहे थे यहाँ पे पहला क्वेश्चन बताए थे, तो उसमें हमारा 2 टर्म मिला था सम और विषम का। और जब हम यहाँ पर दूसरा उदाहरण टाइप सेकंड का बताने जा रहे हैं, इसमें 3 टर्म है यानी 3 संख्या है। अब हम देखेंगे इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, कुल विभाजकों की संख्या कैसे निकालेंगे इसको। तो इसी में जैसे आप लोगों को हिंट बताए हैं, बस इसी में गुड़े क्या हुआ हो गया, इसमें डी गुड़े ई, तो सेम कर देंगे बी प्लस एक, यानी सब में क्या करना है, एक जोड़ना है। अब ई में भी क्या कर देंगे, गुड़े करके ई प्लस एक जोड़ देंगे। तो यहाँ पर जैसे 2 के पावर 4 है तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस 1, उसके बाद गुड़े, यहाँ 3 के पावर 4 है। हमको इससे नहीं मतलब है 2, 3 और 5 से, हमको सिर्फ मतलब है पावर से, क्योंकि हम यहाँ ट्रिक के, यहाँ कोई और नहीं, हम ट्रिक के माध्यम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर 4 प्लस 1, उसके बाद यहाँ 5 की पावर कितना है, 2 है। अब हमको 5 से नहीं मतलब, सिर्फ पावर से मतलब है, इसमें क्या कर देंगे, 1 जोड़ देंगे। यानी सभी पावर में 1 जोड़कर और सभी का मल्टीपल कर देंगे, यानी सभी को गुणा कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, विभाजितों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर 4 प्लस 1 यानी 5,
उसके बाद 4 + 1 = 5, उसके बाद 2 + 1 = 3, यानी क्या होगा 5 × 25 = 75, यानी विभाज्य, तो यानी हम यहाँ लिख देंगे अर्थात विभाजितों, यानी विभाजितों या भाजकों, विभाजितों की कुल संख्या बराबर क्या होगा 75, यही हमारा क्या होगा आंसर। यानी जो 75 आया, ये 32,400 को पूरा 75 संख्याएं ऐसी हैं जो 32,400 को क्या करेंगी, पूरा विभाजित करेंगी। हम आप लोग को दोस्तों इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा, हम आप लोग को एकदम बेसिक लेवल से यानी टाइप फर्स्ट से जनरल बेस से स्टार्ट किए हैं। आप लोग को इसमें इकाई अंक भी ज्ञात करना बताएंगे, शून्य पर आधारित पर हम बताएंगे, जोड़ घटाना पे भी क्वेश्चन बताएंगे। आइए हम इसी में टाइप सेकंड में एक नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा उदाहरण बताते हैं। दोस्तों हमारा जो ये तीसरा उदाहरण है यानी टाइप सेकंड का तीसरा उदाहरण है यह कि 1001 के कुल भाजकों की संख्या बताइए। और दोस्तों एक बार इस वीडियो में जरूर ये याद रखना कि जो हम यहाँ पर संख्या लिख रहे हैं, जिस उदाहरण को बता रहे हैं, जो संख्या बता रहे हैं, वो एग्जाम की दृष्टि से यानी ग्रुप डी और NTPC का जो परीक्षा होने वाला है, एक ये जो अंक है एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देगा आप लोगों को परीक्षा में। यही संख्या आ सकती है क्योंकि जो हम संख्या बता रहे हैं वो संख्या बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए बताते हैं इसको सॉल्व करना। हम सबसे पहले बताए थे आप लोगों को कि इसका क्या करेंगे, सबसे पहले हम फैक्टर करेंगे। जो भी संख्या दी हुई होती है उसका सबसे पहले हमको फैक्टर करना होता है। तो हम 1001 का फैक्टर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा इसका 7 × 11 × 13, यानी जितने अभाज्य संख्या जो होती हैं, 1001 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, इसलिए हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर 7 हो रहा है, 11 13, यानी हमारे इसका क्या गुणनखंड है। दोस्तों यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कई संख्याएं, एक जैसे 1001 है, उसके बाद जैसे हमारा 1001 हो गया, उसके बाद क्या 385 हो गया, और उसके बाद 37 91, इसका दोस्तों फैक्टर होता है 7 × 11 × 13, इसका हो जाएगा 5 × 7 × 11, इसका हो जाएगा 17 × 223। इस संख्या का फैक्टर हमेशा याद रखना क्योंकि परीक्षा में जो ग्रुप डी यानी NTPC इस यानी वन डे एग्जाम के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसमें इस संख्याओं में से एक संख्या जरूर मिल ही जाती है संख्या पद्धति से। तो ये हमेशा याद रखना इसका फैक्टर। आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। उसके बाद क्या 7 कितनी बार आया, यहाँ पर 1 बार आया है तो हम 7 की पावर 1 ही लिखेंगे। 11 1 बार आया है तो 11 की पावर 1 ही लिखेंगे। 13 1 बार आया है 13 की पावर 1 ही लिखेंगे। उसके बाद जैसे हम इसके पिछले क्वेश्चन को करते थे वैसे इसमें भी करना है, यानी हम अर्थात भाजकों की कुल संख्या पावर में 1 जुड़ जाएगा, उसके बाद सभी का मल्टीपल हो जाएगा, यानी 1 + 1 × 1 + 1 × 1 + 1, यानी 1 × 1 = 2 × 1 = 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 × 2 = 8, आंसर क्या हो गया हमारा 8 हो गया। यानी जो 8 आया हमारा 1001 को 8 संख्याएं ऐसी हैं 1001 के नीचे कि जो क्या करेंगे इसको पूरा विभाजित करेंगे, यानी 8 संख्या इसको क्या करेंगे विभाजित करेंगे। तो आइए हम टाइप हमारा फर्स्ट हो गया, टाइप सेकंड हो गया, अब आइए हम चर्चा करते हैं टाइप थर्ड पे। दोस्तों हमारा जो टाइप थर्ड है यानी हम आप लोगों को टाइप फर्स्ट में बताए थे कि भाजकों की संख्या ज्ञात करना, टाइप सेकंड में आप लोगों को भी यही बताए थे भाजकों की संख्या ज्ञात करना, लेकिन टाइप फर्स्ट में एक टर्म था यानी एक संख्या थी, टाइप सेकंड में जो है सेकंड और थर्ड यानी कई सारी संख्याएं आती थी उसका फैक्टर हम लोगों को निकालना था। अब टाइप थर्ड में हम लोगों को देखना है कि अभाज्य भाजकों की संख्या यानी कोई संख्या दी हुई होती है वो कितने अभाज्य संख्याओं से विभाजित होती है, ना हमको सम से मतलब है ना विषम से मतलब है, वो सिर्फ अभाज्य संख्याओं से कैसे विभाजित होती है हमको इसमें क्या करना है यही देखना है। इसके बाद हम लोग को जब टाइप फोर्थ पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे सम भाजकों की संख्या विषम भाजकों की संख्या, तो आप लोग को आगे बताते चलेंगे। अब आइए यहाँ पर क्या हमारा 900 है,
हम आप लोगों को यही बताए थे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले संख्या पद्धति के जितने भी भाजक ज्ञात करना है उसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो 900 को क्या कर देंगे, फैक्टर कर देंगे। तो यानी 2×450, उसके बाद 2×225, उसके बाद 2×2, उसके बाद 225 है। अभी क्या होगा, 3×75, यानी 75 दिया है 225, उसके बाद 2×2×3×5×, क्या हो जाएगा, 6×5, उसके बाद 5×5, यानी 2×5×15, फिर 2×2×3×5×3×5, यानी हमारा क्या हो गया, यही है। अब हम देखेंगे इसमें कि 2 कितना बार आया है, 3 कितनी बार आया है, उसके बाद 5 कितनी बार आया है। यहाँ पर लिख दे रहे हो, उसके बाद 2 बार आया है, तो 2×2×3 दो बार आया है, 3×2, 5 दो बार आया है, 5×2। अब हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, अब हमको टाइप थर्ड का जो क्वेश्चन है कि संख्या 900 के अभाज्य भाजकों की कुल संख्या क्या होगी, तो इसमें अब हमको पावर से मतलब नहीं है, यानी जो हमारा ये पावर है इससे हमको कुछ लेना देना नहीं। लेना देना किससे है, 2, 3 और 5 से, यानी कितनी संख्या है, कुल 3 संख्याएं हैं। तो यानी यहाँ लिख दे रहे हैं, अर्थात अभाज्य भाजकों की संख्या इक्वल क्या हो गई, 2 है, 3 है, उसके बाद 5 है, यानी कुल कितनी संख्या है, 3 संख्या है। तो जितनी संख्याओं की जहाँ जितनी भी संख्या यहाँ पर होंगी उतनी ही संख्या क्या होगी, अभाज्य भाजकों की संख्या होगी, यानी उतने ही अभाज्य संख्या क्या होंगे, इसको विभाजित करेंगे इसका आंसर हो जाएगा, 1, 2, 3 अंक हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3, यानी 3 अभाज्य संख्याएँ ऐसी हैं जो 900 को क्या करेंगी, विभाजित करेंगी। अगर यही आपको ट्रिक ना बताते तो आप इसका फैक्टर करते, उसके बाद आपको देखना पड़ता है कि अभाज्य संख्या 7 से कटेंगी कि नहीं कटेंगी, 11 से कटेंगी, यानी आपको क्या करना पड़ता, हर एक अंक पे आपको पकड़ बनाना पड़ता, हर एक टर्म को आपको याद करना पड़ता। आप इस ट्रिक के माध्यम से डायरेक्ट क्या करेंगे, किसी भी संख्या दी हुई होती है उसका फैक्टर कर देंगे। फैक्टर करने के बाद इसके पावर से हमको नहीं मतलब है, यहाँ जितनी संख्याएं होती हैं संख्याओं की संख्या क्या होती है, हमारी अभाज्य भाजकों की संख्या होती है। आइए इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, यानी दूसरा उदाहरण है, वह कि संख्या 675 की अभाज्य भाजकों की कुल संख्या क्या होगी। पहले क्वेश्चन हम आप लोग क्या बताते हैं, अभाज्य भाजकों की कुल संख्या। अब इसमें हमको देखना 675 यहाँ पर मान लीजिए संख्या दी हुई है, तो इसका कैसे हम करेंगे, तो इसका सर्वप्रथम क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे 675 का। अगर दोस्तों आप लोगों जो फैक्टर कर रहे हैं यहाँ पर गुणनखंड कर रहे हैं, अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो आप ये एलसीएम इसका निकाल सकते हैं, 675 का आप क्या कर सकते हैं, ये एलसीएम भी निकाल सकते हैं। 3×6 3×5 15 3×7 3×5 15 3×6 3×5 15 5×25 5×5, यानी क्या हो गया हमारा 3×3×3×5×5, यानी क्या हो गया, यही हमारा क्या गुणनखंड है। अगर आपको दिक्कत हो रही, जैसे हम गुणनखंड यहाँ सीधे कर रहे हैं वैसे दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम आप लोग को बता दे रहे हैं कि अगर विषम होगा तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, सम होगा तो 2 करेंगे, 3 करेंगे तो इसका 3 भाग करके उसके बाद लिख देंगे, अगर हमारा सम आएगा तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर 2 के बाद उसका आधा लिख देंगे, यानी जो इतना रहेगा उसका क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, आधा कर देंगे। तो इस ऐसे भी आप फैक्टर कर सकते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, 3×, यहाँ पर हम का ही दिए हैं तो ऐसे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, इसका एक ही लाइन में लिख दे रहे हैं। आप इसका ये एलसीएम निकाल सकते हैं, डायरेक्ट गुणनखंड कर सकते हैं, यानी आपको ये क्लियर, अगर आपको ये एलसीएम क्लियर है तो आप इसका गुणनखंड क्या कर देंगे, डायरेक्ट रूप में कर देंगे। वैसे हम आप लोग को बताए हैं, तो दिक्कत होगी तो आप इससे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा इससे समय लगेगा और कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर 3 कितनी बार आया है, 3 बार आया है, 5 कितनी बार आया है, 2 बार आया है,
दोस्तों अभी भी आप लोगों को बता रहे हैं कि अभाज्य भाजकों की संख्या जब निकाला जाता है तो उसमें पावर को ध्यान में नहीं रखते हैं, यानी हमको उसके घात से मतलब नहीं है, सिर्फ उसके आधार से मतलब है और आधार की संख्याओं से मतलब है, ना कि आधार से कोई हमको संदेशम से मतलब है। तो यहाँ पर अर्थात अभाज्य भाजकों की कुल संख्या इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 और 5, यानी कितनी संख्या है, कुल 2 संख्या, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम आप लोगों एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि अब टाइप फर्स्ट में आप लोगों को बताए थे भाजकों की संख्या ज्ञात करना, जिसमें 1 संख्याएं थी उसके जो पावर था उसके घात से हमको मतलब था, उसमें 1 जोड़ दिए थे वो हमारा आंसर आ गया था। टाइप सेकंड में आप लोगों को बताए थे 2 टर्म आए थे, 2 संख्याएं थी, 2 अंक था, उसके पावर में 1 जोड़कर मल्टीप्लाई कर देते थे, हमारा आंसर आ जाता था। और जब टाइप थर्ड हम आप लोगों को यहाँ पर बताएं तो इसमें हम बताए थे कि अभाज्य भाजकों की संख्या, यानी जैसे कोई संख्या है उसमें कितने अभाज्य संख्याओं से वो विभाजित हो रही है, हमको उससे मतलब है। तो इसमें दोस्तों हमको पावर से घात से नहीं मतलब है, सिर्फ मतलब है यहाँ के आधार से, और आधारों की संख्या कितनी है, 2 है 3 है 4 है, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम यहाँ पर क्या कर दें, आंसर लिख दें। अब आपको टाइप फर्स्ट, टाइप सेकेंड, टाइप थर्ड के क्वेश्चन आप लोगों को लगाना बता दिए हैं। अब आइए हम टाइप फोर्थ पर चर्चा करते हैं, इसका आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, इसको मिटा देते हैं और उसके बाद टाइप फोर्थ पे चर्चा करते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमारा जो टाइप फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि संख्या 1260 के विषम भाजकों की कुल संख्या क्या होगी, यानी इसमें हम आपको क्या बताए थे अभी टाइप थर्ड में अभाज्य भाजकों की संख्या निकालना, अब आपको बताते हैं इसमें विषम भाजकों की संख्या क्या हमको निकालना है, यानी इसमें कुल विषम संख्याओं से 1260 कितना विभाजित होगा, यानी बिल्कुल कितने विषम संख्याओं से विभाजित होगा। आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। अब 1260 का पहले हम क्या बताए थे, सबसे पहले हम फैक्टर करेंगे, हमारा फर्स्ट स्टेप सवाल लगाने से पहले फर्स्ट स्टेप यही है कि हम सबसे पहले इसका गुणनखंड करेंगे। इसका आप गुणनखंड डायरेक्ट रूप में भी कर सकते हैं, एलसीएम भी निकाल सकते हैं, हम यहाँ पर आपको एलसीएम निकाल के बता देते हैं। 1260 का करेंगे 2 6 12 2 3 6 0, 2 3 6 2 1 2 2 5 10, उसके बाद 3 1 3 3 3 5 15, उसके बाद 3 3 9 3 5 15, उसके बाद 5 7 35, उसके बाद 7 1 7, यानी जो होगा ये हमारा क्या हो गया, गुणनखंड हो गया, 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 7। अब यहाँ पर हम फैक्टर लिख दे रहे हैं, 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 7, यानी 2 × 2 × 3 × 2 × 5 × 1, क्योंकि 5 की संख्या 1 है, ऐसे 7 की संख्या 1 है तो 7 की पावर 1, यानी जो संख्या जितनी बार होती है उसके पावर में उतना क्या कर देते हैं, हम लिख देते हैं। अब हमको यहाँ पर जब विषम भाजकों की संख्या निकालनी हो तो हम यहाँ पे जो सम संख्या है 2, हम इसको डिडक्टिंग कर देते हैं, यानी इसको निकाल देते हैं, इसको क्या कर देंगे, हम निकाल देंगे डिडक्टिंग, इसको निकाल देते हैं, यानी सम संख्या क्या कर देंगे, इसमें निकाल देंगे बाकी सभी में उसी जो घात है उसी घात में 1 जोड़कर और सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यानी क्या है, इसमें 3 की पावर 2 है, यानी हमको क्या इसमें आधार से मतलब नहीं, जब विषम भाजकों की संख्या निकालनी हो तो हमको आधार से मतलब नहीं है, सिर्फ हमको किससे मतलब है, घात से मतलब है। तो 2 की पावर 1 × 2 की पावर 1 × 1 यहाँ पर एक बार, क्योंकि हमको सम को हटाना है, 2 को हटा दिया है, तो 2 + 1 × 1 + 1 × 7, 1 + 1, यानी क्या होगा, 2 + 1 = 3, 1 + 1 = 2, 1 + 1 = 2, यानी 3 × 2 = 6 × 12, यानी विषम भाजकों की संख्या 12 यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं।
विषम भाजकों की कुल संख्या 12, सर यानी हमारा क्या हो गया, इसमें सम को हमको निकाल देना है, बाकी जितने भी टर्म बचेंगे विषम संख्याओं की उसमें घातों में एक जोड़कर गुणा कर देना है सभी का, हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब आइए इसी में हम टाइप फोर्थ में नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, वो संख्या 630 के विषम भाजकों की कुल संख्या क्या होगी, यानी अभी तक क्या था 1260 था, अब यहाँ पर संख्या दी हुई है 630। अब इसका भी क्या करेंगे, पहले हम फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर यहाँ पे हम 630 का 2 3 6 2 1 2 2 5 10, 3 1 3 3 5 15, उसके बाद 3 3 9 3 5 15, उसके बाद 5 7 5 1, यहाँ पर क्या हो गया हमारा, ये फैक्टर हो गया, यानी 2 × 3 × 3 × 5 × 7, यानी 2 कितना बार आया, 1 बार, 3 कितना बार आया, 2 बार, 5 1 बार, उसके बाद 7 1 बार। अब हमको इसमें भी क्या करना है, इसको डिडक्टिंग, डिडक्टिंग यानी सम को क्या कर देना हमको, इसमें हटा देना है, बाकी वैसे जैसे पहला की उदाहरण आपको बताए थे उसमें क्या कर देना है, एक पॉजिटिव करके सभी का क्या कर देना हमको, गुणा कर देना है, अर्थात विषम भाजकों की कुल संख्या इक्वल हो जाएगी यहाँ पर, इसके पावर से मतलब है यानी 2 के पावर 1 × 1 + 1 × 1 + 1, क्योंकि यहाँ हमको क्या मतलब, इसी से मतलब संख्या से, और हमको यहाँ पर सम वाले से मतलब नहीं है, तो 2 × 1 = 3 × 2 × 2, 3 × 6 = 12, यानी क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, यानी जो इसके पहले 1260 का बताए थे उसमें भी 12 विषम संख्याएं थी जिससे विभाजित हो रहा था, और 630 है 12 संख्याओं से ये भी क्या होगी, विभाजित होगी, यानी 6। अब हमको यहाँ पर इस दोनों क्वेश्चन के माध्यम से एक रूल पता हो गया कि जो 630 और 1260 के बीच में जो संख्याएं होंगी उनको विषम संख्या से कोई भी संख्या क्या होगी, विभाजित नहीं होगी, जो संख्या विभाजित होगी वो 630 के नीचे ही होगी। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पे जो टाइप फोर्थ का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी हमारा दूसरा क्या है इसमें क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन की 77,000 के विषम भाजकों की संख्या क्या होगी, ये हमको क्या करना है बताना है। अब यहाँ पर 77,000 है, इसका पहले क्या करेंगे हम एलसीएम निकालेंगे, आप डायरेक्ट भी गुणनखंड कर सकते हैं और इसका इस तरीके से भी कर सकते हैं, 2 से काटेंगे, 2 3 6, यहाँ 1 चला जाएगा, 2 8 16, 1 2 5 10, उसके बाद 0, उसके बाद 2 से 2 1 + 2, 1 चला गया, 2 9 18, 2 2 4, 2 5 10, 0, फिर 2 से यानी जितनी जब तक 0 खत्म नहीं हो जाएगा हमको क्या करना, 2 से विभाजित करेंगे, 2 9 18, उसके बाद 1 चला जाएगा, 2 6 12, 2 2 4, 2 5 10, अब हमको 5 यानी लास्ट में क्या आ गया, 25 यानी 5 का फैक्टर बन रहा है, तो हम 5 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे, 5 1 + 5, 4 इधर चला गए चला जाएगा, 5 9 45, 1 इधर चला जाएगा, 5 2 10 और 5 5 25, उसके बाद फिर क्या करना, 5 से डिवाइड करना है, 5 3 15, 4 इधर चला गया, 5 8 40, 2 5 25, अब 385 आ गया, अरे 5 से होगा कि नहीं, 5 से एक बार देख रहे हैं, 5 7 35, उसके बाद 3 इधर चला जाएगा, 5 7 35 कट गया, उसके बाद फिर अब 7 से 7 1 7 7 1 7, उसके बाद 11 से, यानी क्या हो गया इसका, ये फैक्टर हो गया, यानी इसको जब सॉल्व करेंगे तो पहले क्या करेंगे फैक्टर करेंगे, यानी 77,000 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2 × 5 × 5
गुड़े पाँच गुड़े सात गुड़े ग्यारह, यानी दो कितना बार आया है यहाँ पर, तीन बार आया है। पाँच कितना बार आया है, तीन बार आया है। उसके बाद सात कितना बार आया है, एक बार। उसके बाद ग्यारह, एक बार। जब भी हम विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करेंगे उसमें से हमको सम संख्याओं को हटा देना है, यानी ये जो दो तो तीन बार जिससे कट रहा है इससे दो से हमको क्या कर देना है, इसको निकाल देना है इसको हमको। उसके बाद क्या बचेगा, ये हमारा क्या जो दो के पावर तीन है, अब इसको हमको क्या करना है, सम है, इसको हमको हटा देना है। उसके बाद यहाँ पर पाँच के पावर तीन है, सात के पावर एक, ग्यारह के पावर एक, यानी जितना है इसके पावर में एक जोड़ के मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यानी क्या है, अर्थात विषम भाजकों की कुल संख्या बराबर तीन प्लस एक गुणे एक प्लस एक गुणे एक प्लस एक, यानी तीन एक चार गुणे दो गुणे दो, चार दुनी आठ दुनाए सोलह, यानी क्या हो गया हमारा, सोलह आंसर आ गया। यानी सोलह विषम संख्याओं से सतहत्तर हजार क्या होगा, पूरा पूरा विभाजित होगा। इसमें सोलह ऐसे विषम संख्या हैं जो सतहत्तर हजार को क्या करेंगे, पूर्णतः विभाजित कर देंगे। यानी हम आप लोगों को टाइप फर्स्ट से लेकर टाइप फोर्थ के अभाज्य संख्याओं की, भाजकों की संख्या निकालना, विषम भाजकों की संख्या निकालना, उसके बाद टाइप फर्स्ट में आप लोगों को बताए थे। अब आइए हम आप लोगों को बताते हैं समभाजकों की संख्या निकालना। अब यहाँ पे टाइप फाइव है, यानी टाइप फिफ्थ है। फिफ्थ का पहला उदाहरण, यानी पहला क्वेश्चन है कि 2100 के समभाजकों की कुल संख्या क्या है। अभी हम आप लोगों को अभाज्य भाजकों की संख्या निकालना बताए थे, उसके बाद हम आप लोगों को विषम भाजकों की संख्या निकालना बताए थे। अब आइए हम टाइप फिफ्थ में देखते हैं समभाजकों की संख्या निकालना। सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। आप एलसीएम के माध्यम से भी इसका फैक्टर कर सकते हैं, आप सीधे माध्यम से भी इसका फैक्टर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एलसीएम के माध्यम से कर रहे हैं, दो एकम दो यहाँ हो गया, उसके बाद दो पंचे दस, उसके बाद जीरो, उसके बाद दो से दो पंचे दस, दो दूनी चार, दो पंचे दस, उसके बाद तीन से कर दे रहे हैं, तीन एकम तीन, दो तीन सत इक्कीस, तीन पचे पंद्रह, उसके बाद पाँच से पाँच तिहाई पंद्रह, पचपन पच्चीस, उसके बाद पाँच से पाँच सत पैंतीस, उसके बाद सात से सात इक्कीस सात। यानी हमारा क्या होगा, दो गुड़े दो गुड़े तीन गुड़े पाँच गुड़े सात, ये हमारा क्या हो गया, गुणनखंड आ गया। अब यहाँ पर गुणनखंड लिख दे रहे हैं, दो गुड़े तीन गुड़े पाँच गुड़े सात। अब हमको जब भी समभाजकों की संख्या निकालनी हो या समभाजकों की संख्या प्रश्न में पूछता है, तो इसमें हम पहले भाजकों की संख्या निकाल लेते हैं, सभी भाजकों की संख्या कितनी है, उसके बाद हम विषम भाजकों की संख्या निकालते हैं। विषम भाजकों की जब निकालते हैं तो भाजकों की संख्या माइनस विषम भाजकों की संख्या, यानी भाजकों की संख्या में से विषम भाजकों को जब निकाल देंगे तो हमारा क्या बचेगा, सम भाजकों की संख्या बचेगी। तो यानी दो कितनी बार आया है, दो बार आया है, यानी दो के पावर दो। उसके बाद तीन कितनी बार आया है, एक बार, तीन के पावर एक। उसके बाद पाँच कितनी बार आया है, पाँच के पावर दो। सात कितनी बार आया है, सात के पावर एक, एक बार। अब यहाँ पे जो जितने पावर हैं, हम भाजकों की संख्या कैसे निकालते थे, जितने पावर थे उसमें एक जोड़ देते थे, उसके बाद सभी का गुणा कर देते थे, हमारा क्या मिल जाता था, आंसर मिल जाता था। अब इसमें हमको वैसे ही करना है, तो यहाँ लिख दे रहे हैं भाजकों की संख्या
भाजकों की संख्या क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब हमको यहाँ सम विषम से नहीं मतलब है। भाजको मतलब क्या होता है, जितने भी संख्याओं से कट रही है, चाहे वो अभाज्य संख्या हो, चाहे सम संख्या हो, चाहे विषम संख्या हो, जितने भी होते हैं सब हमारे क्या होते हैं, भाजक होते हैं। तो यानी 2 + 1 × 1 + 1 × 2 + 1 × 1 + 1 क्या होगा, 2 × 1 = 3 × 1 = 2 × 2 = 3 × 1 = 2 यानी 3 × 6 = 18 × 36 निकुल कितना आ गया, भाजकों की संख्या कितनी आ गई, 36 आ गया। अब हमको निकालना है, अब हम निकालेंगे विषम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या। विषम भाजकों में क्या करते थे, इसको हम क्या करते थे, निकाल देते थे, डिडक्टिंग कर देते थे, यानी सम को क्या करना, हमको निकाल देना। इसके बाद क्या बचेगा हमारा, 1 + 1, उसके बाद 2 + 1, उसके बाद 1 + 1, यानी 2 × 3 × 2 यानी 2 × 3 = 6 × 12 यानी भाजकों की संख्या कितनी आई थी, 36, और विषम भाजकों की संख्या 12। अब हमको सम भाजकों की संख्या निकालना है, तो हमारा हो जाएगा अर्थात सम भाजकों की संख्या बराबर 36 में हम जब 12 को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या बचेगा, 18। तो जो 18 हो गया, क्या हमारा आंसर है, यानी हमारा क्या 18 क्या आ गया आंसर, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 18। यानी जब हमको सम भाजकों की संख्या निकालनी हो तो उसमें सर्वप्रथम हम भाजकों की संख्या निकालेंगे, उसके बाद विषम भाजकों की संख्या निकालेंगे, विषम भाजकों की संख्या निकालने के बाद भाजकों की संख्या से विषम भाजकों की संख्या को माइनस कर देंगे, तो जो हमारा लास्ट में जो संख्या बचेगी हमारा क्या हो जाएगी, सम भाजकों की संख्या हो जाएगी। अब इसमें हम टाइपफेस में आपको एक उदाहरण बताते हैं जिसमें आपको सम भाजकों की संख्या भी निकालनी पड़ेगी, विषम भाजकों की संख्या निकालनी पड़ेगी, अभाज्य भाजकों की संख्या निकालनी पड़ेगी और आप भाजकों की संख्या भी निकालनी पड़ेगी, यानी सबको मिला करके आपको एक क्वेश्चन मिश्रित क्वेश्चन बताते हैं। आइए इसको मिटा देते हैं तब तक। अब इस क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ 24,300 यानी 24,300, इसमें पूछ रहा है कि अभाज्य भाजकों की कुल संख्या क्या होगी, दूसरा क्वेश्चन है कुल भाजकों की संख्या क्या होगी, तीसरा क्वेश्चन है सम भाजकों की संख्या बताइए और चौथा क्वेश्चन है विषम भाजकों की संख्या बताइए। यानी इसमें क्या है, सभी प्रकार के क्वेश्चन हैं, यानी जितने भी आप लोगों को अभी तक बताए हैं सभी को सम्मिलित करके क्वेश्चन क्या हुआ बना हुआ है। ऐसे भी क्वेश्चन क्या होता है परीक्षा में पूछ लेता है, जो कि आपके ग्रुप डी और NTPC लेवल का जो प्रश्न बनता है वो शायद इस प्रकार का आता हो, वैसे इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आ भी सकते हैं क्योंकि आज की जो परीक्षा है, जो कंपटीशन लेवल है वो बहुत हाई लेवल जा रहा है, आ भी सकता है, जिसमें आप सभी को निकालना पड़ेगा। तो आइए हम पहले निकालते हैं अभाज्य भाजकों की संख्या। तो सबसे पहले हम इसमें भी क्या करेंगे, सॉल्व जब करेंगे तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, यहाँ पे फैक्टर हम कर दे रहे हैं 24,300। 200 करेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, उसके बाद 0 ऐसे राजा, उसके बाद करेंगे 2 × 6 = 12, 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10, 3 × 6 = 15, 3 × 6 = 18, 2 × 3 = 21, 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 6, 3 × 6 = 15, 3 × 3 = 21, 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 3 × 6 = 15, 5 × 5 = 25,
पाँच एक्कम पाँच, यानी क्या हो गया हमारा फैक्टर आ गया। और यहाँ पर हम पहले क्या लिखेंगे, 24,300 इज इक्वल टू 2×2×3×3×3×3, यानी 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 5, 5×5×5, ये हमारा क्या हो गया फैक्टर हो गया। अब हम यहाँ दो की संख्या कितनी है, दो है, तो 2 के पावर 2, 3 की संख्या कितनी है, 5 है, 3 के पावर 5, 5 की संख्या कितनी है, 2 है, तो 5 के पावर 2, यानी जो संख्या जितनी बार उसकी आवृत्ति हुई है उसकी घात उतना हम क्या कर दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं। अब इसमें जब अभाज्य भाजकों की संख्या ज्ञात करनी हो तो हमको, हम आप लोग क्या बताए थे कि हमको घात से मतलब नहीं है, यानी पावर से मतलब नहीं है, हमको मतलब है सिर्फ किससे, आधार से, यानी आधारों की संख्या क्या होती है, अभाज्य भाजकों की संख्या होती है। इसमें आधारों की संख्या 3 है, तो यानी कुल कितने अभाज्य संख्या इसमें 3 होंगे। यहाँ लिख दे रहे हैं अर्थात पहले क्वेश्चन का आंसर हमको क्या मिल गया, 3। हम यहाँ ऐसे लिख दे रहे हैं अभाज्य भाजकों की संख्या इक्वल 3, क्योंकि 1, 2, 3 ये हमारा क्या होगा अभाज्य भाजकों की संख्या। अब हम निकालेंगे भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या में करते क्या करते थे, जितनी संख्या होती थी उसके पावर में जो रहता था उसमें 1 जोड़ देते थे, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देते थे, हमारा क्या हो जाता था, हमारा भाजकों की संख्या आ जाती थी। वैसे इसमें करना है दूसरे नंबर पे भाजकों की कुल संख्या, भाजकों की कुल संख्या क्या हो जाएगी, 2+1, सिर्फ पावर से मतलब, इसमें आधार से मतलब नहीं है, 5 के पावर 1, उसके बाद 2 के पावर 1, 3×6×3, 6×3=18, 54, यानी कुल भाजकों की संख्या इसमें कितनी है, 54 है। ये हमारा क्या होगा आंसर होगा, दूसरे क्वेश्चन का आंसर हमको मिल गया। अब तीसरा यहाँ पर जो क्वेश्चन है समभाजकों की संख्या, तो हम समभाजकों की संख्या निकालने से पहले हम विषम भाजकों की संख्या निकालेंगे, तो विषम भाजकों की संख्या निकालेंगे तो इसको क्या कर देंगे, निग्लेक्ट कर देंगे, त्याग देंगे, यानी इसको सम को हम निकाल देंगे, तो हमारा क्या बचेगा, क्या निकालने जा रहे हैं, विषम भाजक, विषम भाजक निकालने जा रहे हैं। तो यहाँ 5+1, उसके बाद 2+1, तो क्या हो जाएगा, 6×3, यानी 6×3=18, विषम भाजकों की संख्या कितनी आ गई, 18 आ गई। अब इस फैक्टर को मिटा देते हैं। अब यहाँ पे हम समभाजकों की संख्या क्या कर रहे हैं, निकालने जा रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं समभाजक, समभाजक यानी जो भाजकों की संख्या है इसमें जब हम विषम भाजक को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारा जो बचेगा हो जाएगा समभाजकों की संख्या, यानी 54 आया है। अब 54 में क्या कर देंगे, 18 माइनस कर देंगे, तो क्या बचेगा हमारा, 36, यानी 36 समभाजक हो जाएगा हमारा इसमें। यानी इस चारों क्वेश्चन का आंसर हमको क्या मिल गया, अभाज्य भाजकों की संख्या 3, भाजकों की कुल संख्या 54, विषम भाजकों की संख्या 18 और समभाजक कितने हुए, 36 हो गए हैं। यानी इसमें कुल मिलाकर सभी प्रकार के जितने भी टाइप के क्वेश्चन बताए थे इसमें सभी प्रकार के रूल लग रहे हैं। अब हम आपको एक और उदाहरण बताते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पर जो तीसरा उदाहरण है, यानी तीसरा क्वेश्चन है, यह 1007 के समभाजकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। हमको क्या करना है, इसमें समभाजकों की संख्या ज्ञात करनी है। अब देखेंगे कि 1007 है साल, जो कि ये क्या है, एक विषम संख्या है। हम आपको बताते हैं इसमें कि जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उसमें हम देखेंगे सम विषम को भी ध्यान में रखेंगे। जब सम भाजकों की संख्या पूछेगा क्वेश्चन में तो देखना है कि यह संख्या जो सम है या विषम है, तो पहले से हम देख रहे हैं कि संख्या क्या है, विषम है, तो यानी क्या होगा, इसका समभाजक नहीं होगा।
हम यहाँ लिख दे रहे हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, दी गई संख्या विषम संख्या है, विषम संख्या है जो कि दो से विभाजित नहीं होगी, इसलिए इसका क्या होगा, संभाजक भी नहीं होगा, इसलिए इसका संभाजक भी नहीं। यानी हमको क्वेश्चन जब आएगा उसमें हमको संख्याओं पर भी क्या करना है, अपना दिमाग लगाना है, ध्यान को केंद्रित करना है कि जो संख्या है वो सम है या विषम है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पूरा पूरा बढ़िया से समझ में आया होगा। और दोस्तों एक बात ध्यान रखना कि हम जितने टाइप बताए हैं आपको, एक क्वेश्चन दो तीन, यानी तीन क्वेश्चन से ज़्यादा उदाहरण देकर नहीं बताए हैं, क्योंकि जो हमारा आगामी परीक्षा ग्रुप डी और NTPC का, हमारा 15 दिसंबर से स्टार्ट है और हमको उसमें सिलेबस भी मतलब ख़त्म करना है, पूरा करना है, और उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी क्या करना है, सॉल्व करना है तो इसलिए हम आपको सभी टाइप के क्वेश्चन बता देते हैं कि जो परीक्षा में जितने प्रकार के भी क्वेश्चन आते हैं कोई हाथों से बच के निकल ना पाए। उसके बाद हम आपका बेसिक से स्टार्ट किए हैं, आपको भी संख्या पद्धति में हम कम से कम 20 से 22 लेक्चर देंगे, 25 तक हो सकते हैं, और जो सभी लेक्चर रहेंगे हम यहाँ पर लेक्चर फर्स्ट लिख दे रहे हैं, ऐसे हमारा डेली का डेली लेक्चर फर्स्ट, लेक्चर सेकंड, थर्ड करके सीरियल वाइज बनता चला जाएगा, और आपको बढ़िया से हम पूरा पूरा समझाएंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी क्या करेंगे, सॉल्व करवाएंगे। आप हमारे वीडियो में बने रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, लेक्चर सेकंड के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।